हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकल स्टोरीज। मैं हूँ अंजलि और आज हम बात करने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन देसी लौकी एंड हाइब्रिड लौकी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाइब्रिड लौकी क्यों उगाना शुरू कर दिया था इंडिया में और देसी वैरायटी के क्या फायदे होते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हाइब्रिड वैरायटीज एक्चुअली होते क्या हैं? तो समझ लीजिए, आपके पास प्लांट ए है और प्लांट बी है। तो प्लांट ए में कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें चाहिए और प्लांट बी में ऐसे कुछ गुण हैं जो हमें चाहिए। तो इन दोनों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है और फिर जो प्रोडक्ट उसका निकलता है दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटी। वैसे तो हज़ारों साल से एक्चुअली फार्मर्स यही करते आ रहे हैं। वी हैव बीन क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट वैरायटीज़ टू गेट वैरायटीज़ दैट वी वॉन्ट। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आजकल के जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होते हैं इसमें कोई बीज ही नहीं निकलते। तो इसका मतलब ये है कि हर साल फार्मर्स को बीज खरीदते रहने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रोड्यूस। तो देसी वैरायटीज़ और हाइब्रिड वैरायटीज़ में आप कैसे फ़र्क समझ सकते हैं? पहली बात ये है कि हाइब्रिड वैरायटीज़ जनरली इसकी स्किन काफ़ी स्मूथ होती है और जनरली वो इस शेप में होती है, कभी कभी राउंड हो सकती है। लेकिन देसी वैरायटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही अलग अलग शेप्स और साइज़ में आते हैं। इनफैक्ट मैंने एक फार्मर से बात की थी जिन्होंने 28 डिफरेंट वैरायटीज़ देसी वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को बचाए रखा है। वो अपने खेत में इसे ग्रो भी करते हैं। नीचे मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको ये बीज ग्रो करने हैं अपने गार्डन में या फिर अपने खेत में तो ज़रूर उनसे संपर्क कीजिए। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि देसी वैरायटीज़ की जो स्किन जनरली थोड़ी ज़्यादा पतली होती है तो इस पर आपको ज़्यादा ब्रूजेस दिखेंगे, तो ये दिखने में उतना अच्छा नहीं होगा बट इट्स टेस्ट इज़ मच मच बेटर। और आप अपने सब्जी वाले को अगर पूछेंगे कि कौन सा देसी है कौन सा हाइब्रिड है जनरली वो बता देते हैं। सो आई एम श्योर यू विल गेट एक्सेस टू इट। और ये वाला जो देसी वैरायटी है जो मैंने अभी मार्केट से लिया था ये एक्चुअली हाइब्रिड वैरायटी से ज़्यादा सस्ता भी था। सो दैट्स वन मोर रीज़न टू बाय द देसी वैरायटी। आजकल अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इस तरह के जो देसी वैरायटीज़ हैं बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो हम यहाँ कैसे पहुँचे? वाई इज़ इट दैट हाइब्रिड वैरायटीज़ इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं? हुआ ये था कि 1960s के टाइम पे इंडिया में फूड का शॉर्टेज हुआ था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम हाइब्रिड वैरायटीज़ हाइब्रिड सीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारे पास जो फूड की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। बट द थिंग इज़ हाइब्रिड वैरायटीज़ को ग्रो करने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरी तरह अगर आप भी शहर में रहते हैं तो यू माइट हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड वाटर कट्स, पानी की जो प्रॉब्लम है। एंड हो ये रहा है कि कई जगहों पे जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स वी कांट जस्ट ब्लेम एग्रीकल्चर, शहरों में भी अभी हम काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। लेकिन एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दिस एज वेल। तो आपको लग रहा होगा कि अगर हाइब्रिड वैरायटी से फार्मर्स को ज़्यादा फसल मिलती है, ज़्यादा फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, तो क्यों ना इसे उगाया जाए। द प्रॉब्लम इज़ दैट द काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स विच आर नीडेड फॉर ग्रोइंग हाइब्रिड क्रॉप्स, मैंने एक्चुअली इसके बारे में वीडियोज़ देखे थे एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर नीडेड। यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाशियम। तो इन सारी चीज़ों से वैसे तो आपको ज़्यादा फसल मिलेगी लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सॉइल को एक्चुअली हार्म करती है। और इसका जो रन ऑफ है यानी कि सॉइल से जो पानी निकलता है और जो वाटर बॉडीज़ में जाती है उससे वाटर बॉडीज़ भी ख़राब होती हैं। तो जैसे कि आजकल हम सबको पता है कि रिवर्स में एल्गे जमा होता है और फिर जिस तरह पहले रिवर्स साफ़ थे उस तरह साफ़ नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दैट। एक और बहुत बड़ा रीज़न है देसी वैरायटीज़ खाने के लिए और वो है टेस्ट। देसी वैरायटीज़ और हाइब्रिड वैरायटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है टेस्ट में। एंड द थिंग इज़ देसी वैरायटीज़ आर एक्चुअली स्लाइटली लेस रेजिस्टेंट टू
पेस्ट एंड डिजीजेस, यानी कि कीड़े और फिर बीमारियां जो होती हैं, लोग कहते हैं कि ये कम रेजिस्टेंट होती है, लेकिन द थिंग इज, जैसे कि हिंदी में कहावत होता है राइट, कि मेहनत का फल मीठा होता है, सो द सेम थिंग हैपेंस विद प्लांट्स इज वेल, कि जब प्लांट्स को कीड़े या फिर बीमारियों का, छोटी छोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, वो ज़्यादा फ्लेवर और टेस्ट डालते हैं अपने फल और सब्जियों में. दिस इज़ एक्चुअली ट्रू एंड दैट इज़ वाई देसी वेराइटीज़ एंड अप टेस्टिंग सो मच मोर बेटर. और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जहाँ पर बीज होते हैं ना, या तो वो फल हो या सब्जी हो, ज़्यादातर फ्लेवर जो है वो वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है. तो अगर किसी फल या सब्जी में बीज नहीं है तो फ्लेवर भी उतना ही कम होगा. और आपको लग रहा होगा कि ठीक है टेस्ट वेस्ट तो ठीक है, लेकिन उससे पोषण में क्या फ़र्क आएगा. एक और कहावत मैं बोलती हूँ कि कहावत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि जब कुछ टेस्टी खाने का मन करता है तो मुंह में पानी आ जाता है. तो एक्चुअली ये मुंह में पानी क्या है, ये सलाइवा है. और जब ज़्यादा सलाइवा आपके मुंह में प्रोड्यूस होता है तो आपका खाना भी बेटर डाइजेस्ट होता है और आपको ज़्यादा पोषण मिलता है उससे. तो इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न टू ईट मोर टेस्टी फूड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए. एंड If you have any questions, any suggestions for a new video, please leave it in the comments. I make sure to reply to every comment. And aapka jo support hai, that is what keeps me going. Thank you so much for watching. I'll be back soon with another video. Bye.